अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने टोटो लिंक के राउटर का जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो कैसे चेंज कर सकते हैं और उसका वायरलेस पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं और उसकी आईपी जो है 192.168.1.1 या समथिंग जो भी उसको आप चेंज कैसे करते हैं। तो चलें चलते हैं अपने मोबाइल की जानिब, वहाँ मैं आपको सिखाता हूँ जाकर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने अपना मोबाइल कनेक्ट कर लेना है उस राउटर के साथ एंड सिंपली आप चले जाएंगे गूगल क्रोम में। यहाँ पर आप टाइप करेंगे उसकी आईपी .168.1.1। मेरे पास ओपन नहीं हो रहा, दूसरा ट्राई करते हैं ब्राउज़र। सो गाइज, ये ओपन हो चुका है। कुछ राउटर्स में इशू होता है कि आप उसे यूज़र नेम पासवर्ड अगर दे भी दें तो वो फिर भी जो है लॉगिन नहीं होते। जैसे कि ये अभी आपके सामने खड़ा हो गया, तो इसमें इशू कोई भी नहीं होता। सिर्फ आपने ऐसा करना होता है कि इसके ऊपर जो लॉगिन इसका HTML है उसको रिमूव कर दें और फिर इसे दोबारा से गो कर दें, तो ये इस तरह करके ओपन हो जाता है। ठीक है, ये अभी इसका बेसिक सेटिंग है। ठीक है, आपने यहाँ से जो है इसका सिंपली आप SSID भी चेंज कर सकते हैं और नीचे इसका जो पासवर्ड है वो भी आप चेंज कर सकते हैं ये वाला। ठीक है, तो हम फ़िलहाल चले जाते हैं एडवांस सेटअप में। एडवांस सेटअप में जाएंगे और इसके बाद जो है आपने डायरेक्ट जाना है वायरलेस में। वायरलेस की बेसिक सेटिंग में जैसे ही आप जाएंगे तो आगे आपका SSID का नेम चेंज करने का ऑप्शन भी आ जाएगा यहाँ से, और जो नीचे पासवर्ड है ये पास फ्रेज लिखा हुआ होता है और प्री शेयर्ड की इसको कहते हैं, यहाँ से इसे आप रिमूव करेंगे, अपना नया टाइप करेंगे और अप्लाई कर देंगे और आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अभी आ जाते हैं IP की तरफ। आपने राउटर की जो IP है ये वाली, ये कैसे चेंज करनी है, चलें ये भी दिखाता हूँ आपको। आपने सिंपली जाना है नेटवर्क में, तमाम जो राउटर हैं उन सब की सेटिंग इसी तरह होती है। ठीक है, नेटवर्क में आपने वैन में जो है कोई भी सेटिंग तब्दील नहीं करनी, आपने सिर्फ लैन में चला जाना है, LAN लैन सेटिंग। यहाँ से जो है आप अपनी IP चेंज कर सकते हैं। ये आपको ऊपर नज़र आ रही है IP एड्रेस 1.1 लिखा हुआ है, आप 0.1 भी कर सकते हैं या 10.1 भी कर सकते हैं या 100.1 भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी IP रखनी है उसकी। सो गाइज, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट कर दें। बहुत शुक्रिया।